कम से कम हम लोग को यहाँ दिया गया है मीटर बोर्ड 40-45 घर होंगे कम से कम। जब हम लोग को बिजली देना ही नहीं था तो ये मीटर को ही कहे के लिए हम लोग को दिया और हम लोग रख रहे हैं। सिमडेगा जिला के जलडेगा प्रखंड के होटुबदा गांव के लोग बिजली क्या चीज़ होती है इस चीज़ से अभी तक अज्ञान है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत इनके गांव के हर एक घरों में बिजली लगना था, मगर ठेकेदार और अधिकारियों के लापरवाही से इनके घरों में बिजली नहीं लग गया। इनके घरों में बिजली का मीटर बोर्ड और पाइप तो दे दिया गया, मगर इनके घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया, जिनके कारण इस हुटुबदा गांव के लोगों को अभी भी डिबरी युग में जीना पड़ रहा है। खाना बनाते समय कभी अंधकार के कारण खाना जल जाता है। मिट्टी तेल हम लोगों को बहुत कम मिलता है, जिसमें हम लोग बच्चों को पढ़ाने सिखाने में भी हम लोग नहीं दे पाते हैं। एक ही बत्ती रहने से हम लोग खाना बनाएंगे या बच्चों को पढ़ाने के काम में उनको दे पाएंगे। 4-5 साल पहले यहाँ पर पोल खूटा सब गिरा दिया था और वो पोल खूटा भी इधर उधर करके वो लोग मने दूसरे गांव में ले गए और हमारे यहाँ मीटर उटर भी बोर्ड उड भी दे दिया है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ बिजली का कोई सुविधा नहीं दिया है। कितना बार हम लोग ग्राम सभा में भी बैठे, लेकिन उस पर भी हम लोग उसको चर्चा में लाया, लेकिन उस पर अभी तक हम लोग मैंने कोई समाधान नहीं मिल पर है। तो अभी तो काम होगा नहीं वहाँ पे, है ना? अभी तो नहीं होगा। अभी इसलिए नहीं होगा, जो ये अपना 11th प्लान 10th प्लान जो चल रहा था ना, वो सब बंद हो जाएगा। अभी हम लोग के पास जितना मेटेरियल सब 10th प्लान का वो सब खत्म हो गया है। हम लोग 12th प्लान में कर रहे हैं इनपुट कर, मतलब ऑलरेडी कट चुके हैं। तो 12th प्लान जब आ जाएगा 2-3 महीने के अंदर संसद में, उसमें उन लोग को पावर मिल जाएगा। अभी हुटुबदा में जो आप बता रहे थे, जो जिसका जिसका मीटर बटा हुआ है लिया हुआ है, वहाँ के लिए वो कंडक्टर का सब चाहिए, अभी वो सब अभी नहीं दे रहे हैं उसको, अभी 12th प्लान में चलाएगा। तो अच्छा है जो मीटर उटर लिखा है ये सब रिटर्न करेगा। और जैसे नया स्कीम आएगा आपका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आज हम लोग मैंने 2-4 आदमी को विचार रखे, उसके बाद में गांव में जुट करके ये विचार हुआ, तभी ना अभी हम लोग को ये जानकारी हो रहा है। अगर हम लोग नहीं आते तो हम लोग को जानकारी कैसे मिलेगी? जिसका बीमारी है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ऐसे आपका कुछ ऐसा आदमी मिलेगा उसको भी बोल दीजिएगा। जब भी कोई भी गांव में कोई टोला है, कोई ऐसा मान लीजिए बगल में भी कोई गांव में ऐसी समस्या है तो आप बताइए उनको भी, उन लोग भी बताइए। आप तमाम वीडियो देखने वालों से यह अपील करता हूं कि आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करके सिमडेगा जिला के उपायुक्त को समस्या से अवगत कराएं, ताकि हुटुबदा गांव के ग्रामीणों को भी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत मिलने वाले बिजली का लाभ मिल सके और इस गांव के लोग भी बिजली क्या होती है यह जान सके। मैं अमित टोपनो खूंटी जिला से, इंडिया नाट के लिए।